पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। साधारण काल का छठवां रविवार है, 13 फरवरी रविवार का दिन है। आज का पूजन विधि में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि धन्य है वो लोग जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, वो जल स्रोत के निकट लगाया हुआ पेड़ के समान है। जल स्रोत के निकट लगा हुआ पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, कभी वो सूखा या बुरे दिन का अनुभव नहीं करता है। लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो अपने आप पर भरोसा रखता है, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, वो मनुष्य हमेशा अच्छा दिन नहीं देखेगा, बुरे दिन देखेगा, वो खुश नहीं रहेगा, दुखी रहेगा। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं आशीर्वचन, धन्य है वे लोग। तीन तरह के लोग धन्य हैं। सबसे पहले है लोग, वो लोग दरिद्र हैं, वो लोग धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग राज होने का है, धन्य है। दूसरे तरीके लोग है, भूखे लोग हैं, भूखे प्यासे लोग हैं, वो तृप्त हो जाएंगे क्योंकि ईश्वर उन्हें रोज रोटी प्रदान करेगा। और तीसरे तरीके से लोग वो धन्य है, अपमान अत्याचार सहते हैं और उन्हें सांत्वना, उन्हें दिलासा, उन्हें ईश्वर की कृपा मिलेगी। लेकिन तीन तरह के लोगों को दिखाते हैं संत लूकास के सुसमाचार में हम सुनते हैं। धन्य है जो धनी लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, केवल अपनी धन दौलत पर भरोसा रखते हैं। इसके लिए धन्य है दरिद्र, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। और दूसरी बात, लोगों को धिक्कार किया जाता है जो तृप्त है। अभी जब हम तृप्त हैं, जब हमारे पास सब कुछ है, हमें ईश्वर का दूसरों की जरूरत नहीं होती है। जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब हमारे पास गरीबी है, दरिद्रता है, तब हमें दूसरों का सहारा हमें जरूरी है। इसके लिए हमें विनम्रता से ईश्वर को खोजना है। और तीसरे तरह के लोगों के दिखारते हैं संत लूकास के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह, धन्य अभी हंसते हैं लोग, क्योंकि वो लोग रोएंगे, विलाप करेंगे। इसके लिए आज हम सर्वों को प्रभु यीशु मसीह धन्य कहते हैं, क्योंकि हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले लोग, जो जल स्रोत के निकट लगाए हुए पेड़ के समान है, वो अच्छे दिन हमेशा देखेगा। अगर हम सबों का अच्छे दिन देखना है, हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है। इसके लिए हम हमेशा प्रभु के वचन को सुनेंगे, शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे, जल स्रोत के निकट लगा हुआ पेड़ के समान हमेशा हरा भरा हम समृद्धि में आगे बढ़े। आप सबों का प्रभु का आशीर्वाद, पिता पुत्र और पिता के नाम पर आमेन।